ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। आज बाबा ट्यूशन लेने के लिए बुलाया है, तो जिस समय जो बोले, कभी बोले कि हॉस्पिटल में आए हो, हाँ बाबा इलाज कराने आए हैं। जब बोले कि तुम विश्व यूनिवर्सिटी में आए हो, हाँ बाबा हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जब बोले स्कूल में पढ़ रहे हो, छोटे बच्चे बन जाए, आज बाबा बोला ट्यूशन में पढ़ने आए हो। तो ट्यूशन लेने के लिए आए हो किस लिए? मनुष्य से देवता बनने के लिए, कौड़ी से हीरा बनने के लिए। एक्स्ट्रा ट्यूशन देते हैं ना बच्चों को, जिसका जिसका हर तरह से सुविधा है, तो वो बोलता है कि स्कूल में भी पढ़ो और ट्यूशन भी दे देते हैं। हम लोगों को भी बाबा सब तरह से पढ़ा रहा है। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है, तो खर्चा किस बात का, खर्चा किस बात का। तो बहुत बच्चों का ऐसे सवाल आएगा ना कि आखिर तो डालते हैं भंडारे में। तो इसका मिसाल है ना, जो लकड़हारा रहता है, तो वो जब बोलता है कि हम पूजा करेंगे, तो हर दिन उसका बिकता है 100 रुपया, और जिस दिन वो बोलता है कि हम पूजा करेंगे, उस दिन बिकता है 200 रुपया। 200 रुपया में वो 50 रुपया खर्चा कर देता है, तो फिर भी तो उसको 150 रुपया हुआ ना। तो उसी तरह बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारा बाप ही टीचर है, तुमको बाप पढ़ा रहा, तो फिर पैसा किस बात का, जो तुम्हारा लिया जा रहा उसको सफल किया जा रहा। तो बाप बच्चों से खर्चा फीस कैसे लेगा? फीस नहीं लेता है वो। बाप का बच्चा बने, गोद में आए, तो वर्षे की हकदार भी बन गए, वर्षे की हकदार बन गए। इसलिए हमारा कौड़ी लेकर हीरा बना रहा है, फल लेकर प्रसाद बनाता है ना बाबा, तो यहाँ भी हमारा कौड़ी लेकर हीरा बना रहा है, हकदार बना रहा वर्षे का। तुम बच्चे बिना खर्चे, बिना कौड़ी से हीरे जैसा देवता बन जाते हो, भक्ति में तीर्थ करने जाते हो, दान पुण्य करते हो, कितना खर्चा ही खर्चा होता है, खर्चा होता है ना, और थकावट कितना होता है। अभी क्या है, वो माता जी गई अयोध्या दर्शन करने के लिए, तो बोली एक मूर्ति है, इतना भीड़, कहीं बैठने का जगह नहीं, ना खाने पीने का जगह, कुछ नहीं, तो कुछ तो मिला नहीं। और ऐसे वही जाइए बाबा के घर में, कितना भीड़ रहे, लेकिन 56 प्रकार का भोजन मिलता है, कितना आराम से सोना बैठना सब कुछ मिलता है। तो वो बाप का घर है और वो भक्ति है, भक्ति में अथाह भीड़, और बाप के घर में कितना भी बच्चे हो, अगर किसी माँ बाप का एक बच्चा भी है तो भी वही पालना, और 4-5 बच्चे 12 बच्चे तो भी पालना, बराबर हो देगा माँ बाप। तो यहाँ बाबा कहता खर्चा ही खर्चा करते हो, तो यहाँ तो बाप बच्चों को रजाई भी देते, रजाई मतलब रजाई राजा बनने का ज्ञान दे रहे हैं कि हम राजा कैसे बने, सारा वर्षा मुफ्त में दे रहे हैं, कोई पैसा खर्चा नहीं ले रहे बाबा। पावन बनो और वर्षा लो, पावन बनो और वर्षा लो। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, अभी हम क्या समझ रहे हैं, टीचर नहीं है, हम स्टूडेंट हैं। जब तक जीना है तब तक पीना है, जब तक जिएंगे पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ विशेष हर दिन बाबा पढ़ाता है। और देखिए दूसरा क्या है कि दिन भर में हम जब कुछ लौकिकता में जाते हैं, काम काज में जाते हैं ना, तो गंदगी आ जाता है, और जब ज्ञान सुनते हैं तो गंदगी साफ होता है। इसलिए रोज़ नहाना जरूरी है, रोज़ ज्ञान स्नान करना जरूरी है। आप बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं, हम आत्माएँ परम पिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। किससे ट्यूशन ले रहे हैं? परमपिता परमात्मा से ले रहे हैं, किसी भाई बहन का नहीं है ज्ञान, तो इसलिए वो भाई बहन के मुख द्वारा भी जो सुनाया जाता है वो परमात्मा का ही ज्ञान है। कल एक माता बोली जो ईर्ष्या करती हैं बहुत, वो माता कमेंट की कि मुरली का पॉइंट आप कहाँ बोलते, तो बोली ये क्या है मुरली का पॉइंट नहीं तो ये खुद का ज्ञान है क्या। सो मुरली का पॉइंट को ही विस्तार से समझाया जा रहा है। तो अभी समझ गए कि जन्म बाई जन्म अपने को देह समझते थे, ना कि आत्मा, लेकिन यहाँ पर आए तो आत्मा समझने लगे। तो वह लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं, सदगति करने के लिए और जगह भेज देते हैं, मतलब कहीं से आप ज्ञान लिए, होता है ना, ज्ञान कहीं और से लिए, कोई ज्ञान देता है, कहीं और जाकर आप फिर डेली मुरली सुनने लगते हैं, फिर किसी और से समझने के लिए कैसे आप आगे बढ़े ट्यूशन लेते हैं। तो इस तरह से बाबा कहीं ना कहीं भेजकर हम लोगों की स्थिति पावरफुल बनाता है। तो बाप बूढ़ा हुआ तो फिर
उनको वानप्रस्थ जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई नहीं समझता। वानप्रस्थ मतलब वाणी से परे, ये दुनिया क्या वाणी में है, स्थूल दुनिया क्या वाणी में है। तो वाणी से परे जाने का मतलब तो शांति से योग ध्यान करना, परमात्मा को याद करना। तो और यहाँ पर वाणी से परे कि परम धाम जाना। तो वाणी से परे हम कैसे जा सकते ये तो कोई बताता ही नहीं। और अभी तो देखिए कि बूढ़े भी हो जाएंगे माँ बाप ना, तो छोड़ते नहीं है, चाबी छोड़ेंगे नहीं कि नहीं ले अब पता नहीं खराब कर देगा तो बच्चे पूरा ख़त्म कर देंगे। तो देते हैं चाबी खुलकर, नहीं देते। अब मर जाएंगे तो सारा निकाल निकाल के लोग बांट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो बुद्धि में नहीं बैठता ये ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ। ये कलयुग बूढ़ा हो चुका है, अभी तो हम पतित हो गए ना, इसीलिए जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वही तुम पावन थे। जहाँ से आई हैं मतलब वहाँ परम धाम से आए, वहाँ बिल्कुल पावन थे हम। यहाँ आकर पाठ बजाते बजाते पतित बन गए, आज इतना पतित कि जाने का इच्छा नहीं होता है। और इच्छा के पीछे कारण है नहीं जाने की इच्छा, क्योंकि हम पुण्य कर्म नहीं कर रहे और हम सोच रहे ना कि हम तो आत्मा जान रही कि हम पाप कर रहे हैं, तो अगर हम शरीर छोड़ेंगे ना तो और खराब जन्म मिलेगा, इसलिए जो सुख भोगना है भोगते जाओ, नहीं जाएंगे अभी, इसीलिए बोलती है। लेकिन जो पुण्य कर लेगी ना वो आसानी से शरीर छोड़ेगी, कि निश्चिंत रहेगी कि हम जाएंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। तो अब फिर पावन कौन बनावी, पुकारती भी हे पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकता, गुरु करते हैं। फिर एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता, इसीलिए जांच करते ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचाए। उसके लिए बहुत युक्तियां रचते, जैसे ब्रह्म भावा बदाता लेखराज, एक गुरु किए मन संतुष्ट नहीं हुआ, दूसरा गुरु किए फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, ऐसे करते करते 12 गुरु कर लिए लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, अंत में 13वां में शिव बाबा उनको मिला। तो जहाँ सुना फलाने की बहुत महिमा होती है वहीं चले जाएंगे। जो इस झाड़ की सैपलिंग है उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर जरूर लगेगा। देखिए कट गया सबको। तो बाबा कहता है कि जो इस झाड़ क्या है, जो देवी देवता कुल का है, उनको तुम्हारा तीर जरूर लगेगा, उनको जरूर अच्छा लगेगा। समझते हैं, यह तो क्लियर बात बता रहे हैं, कोई गलत बात तो है नहीं। जो इस कुल के होंगे वो समझेंगे कि बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा है। बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात तो नहीं। अभी देखिए साइलेंस में बैठते हैं, पहले से संकल्प में भी कम हुआ है तो ये साइलेंस की ओर जा रहे, तो कोई ये भारी लग रहा है क्या साइलेंस में जाना, बल्कि और अच्छा लगता है शांत रहना। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, टीचर के लिए कोई बड़ी बात होगी, जो पढ़ा हुआ वो पढ़ा दे रहा है। भक्तों को क्या चाहिए यह तो किसी को पता नहीं, भक्तों को क्या चाहिए, केवल उनकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए उनको, ज्ञान नहीं चाहिए भक्तों को। भक्त ज्ञान सुनना नहीं चाहते, क्यों, बस उनको सुख शांति मिल जाए, जो मनोकामना पूर्ण हो जाए हो गया। लेकिन बाबा के बच्चों को ज्ञान चाहिए, क्योंकि उनका स्थिति क्या है, देवता बनने का है, तो वो लेंगे ज्ञान। तो अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो, तुम समझते हो कि बरोबर बाप ने ही वर्षा दिया था जो अब दे रहे हैं, फिर उस अवस्था में आएंगे, सो तो तुम बच्चे समझते हो। हम लोग समझ रहे ना कि हम लोग फिर से देवता बनेंगे, तो उस अवस्था को जान रहे पहुंच भी रहे हैं। तो बाबा कहता है ये बातें केवल तुम बच्चे समझोगे, दुनिया वाले नहीं समझेंगे। पहली मुख्य बात है पावन बनने के लिए बाप को याद करना, पहली मुख्य बात है कि पावन तो जरूर बनना है, बाप को याद करना। लौकिक बाप को तो सभी याद करते ही, पारलौकिक बाप को जानते नहीं तो सबको पारलौकिक बाप बना देते, तमेव माता च पिता सबके आगे गाते हैं। अभी तुम समझते हो कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना सहज से भी सहज भी है, और क्या है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। बाबा कहता मुश्किल भी है और सहज भी है। अगर उसको आप बाप के रूप में देख लिए, अपने हर रिश्ते से देख रहे हैं उसको, बहुत आसान है, और नहीं तो फिर मुश्किल है, देहधारियों के रूप में अटका हुआ है बुद्धि। आत्मा इतनी छोटा सा सितारा है, बाप भी सितारा, वह संपूर्ण पवित्र और यह संपूर्ण अपवित्र, कैसे याद हो जाएगा अचानक, जब आत्मा पूरी तरह से अपवित्र है और वो संपूर्ण पवित्र है तो कैसे याद कर पाएंगे। नहीं आप पाप जो है ना वो याद करने नहीं देता है, लेकिन जिद करे अपने मन को, जबरदस्ती बोले नहीं अब याद तो करना ही है, भगवान है वो,
ऐसे मन को समझाएं, क्योंकि भक्ति से निकले हैं ना, तो पहले समझाएं कि भगवान है वो, उसको तो याद करना ही चाहिए। तो संपूर्ण पवित्र का संग तारे सो तो एक का ही संग मिल सकता है, बाबा कहता संपूर्ण पवित्र जो है उनका संग तारे, तो संपूर्ण पवित्र तो एक ही ऐसी बाबा, उनके बाद है ब्रह्मा माँ, उसके बाद नंबर वार सभी आ जाते हैं, तो हमें उनका संग करना है। संग चाहिए तो जरूर, ये तो क्लियर है, बिना संग के तारना हम लोगों को विषय विकारों से निकलना संभव नहीं है। फिर कुसंग भी मिलता है, दोनों भी मिल रहा है। पांच विकार रूपी रावण का, उनको कहा जाता है रावण संप्रदाय। अभी तुम बन रहे हो राम संप्रदाय, राम संप्रदाय आया नहीं है लेकिन बन रहे हैं राम संप्रदाय के। तुम राम संप्रदाय बन जाओगे तो फिर यह रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। यह बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम धीरे धीरे विकारों को छोड़ रहे हैं तो राम में जब आ जाएंगे ना, तो रावण की तरफ जाने का इच्छा ही नहीं करेगा। इच्छा करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इसलिए एकदम लगता है कि नहीं बाबा, हम केवल तुम्ही को पूजे, तुम्ही को याद करें, तुम्ही संग खाए, तुम्ही संग पिए, तुम्ही संग सब समय गवाएं बिताएं। तो राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते। लोग तो कहते हैं कि राम राज आ जाए, कोई राम बनना ही नहीं चाहता है, सब रावण बना हुआ है और बोलता है राम राज आ जाए, कैसे आ जाएगा। आ जाइए भक्ति मार्ग में, जहाँ पर पूजा हो रहा है ना, भीड़ लगता है ना, लोग पूजा के कारण क्या करते, लाइन में इतना ज्यादा सब एक दूसरे को ढकेलते हैं कि कोई गिर भी रहा ना तो उठाने का भी नहीं रखते हैं कि हम लाइन से निकल जाएंगे अगर उठाएंगे तो। तो क्या है ये राम राज्य है? राम राज्य का मतलब होता है अपनी अपनी सुख सुविधाओं का भी त्याग करके फिर भी सबको सुख देना। राम जी क्या किए, अपनी माँ का मान रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास दे दिए, दुनिया के लिए बोलने लगा तो सीता को भी वनवास दे दिए, अपनी सब कुछ का त्याग किए, जबकि वो जानते थे सीता संपूर्ण पवित्र है, फिर भी वो दिए। लेकिन सीता को क्यों भेजा गया, क्योंकि वो रावण के संग में रहकर आई थी, परीक्षा लिया गया किसका, ठीक। तो बाबा कहता है कि यह बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, भगवान आकर राम राज स्थापन करते, अर्थात सूर्यवंशी राज्य की स्थापना करते हैं। सूर्यवंशी यानी कि राधा लक्ष्मी नारायण का राज्य। आप देखेंगे कि राधे कृष्ण के राज्य में जितने भी पांडव सब पर सूर्य बना हुआ रहता है, और जो राम का दिखाएगा तो राम में चंद्र बना रहता है। ये सब बातें हम लोग नहीं समझते थे पहले, लेकिन अब बाबा क्लियर करता है, जो सूर्यवंशी उनका सूर्य और जो चंद्रवंशी उनका चंद्र बनता है। तो राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है ना कि राम राज्य रावण राज, उसको राम राज्य नहीं कहा जाता, वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। लेकिन कहने का मतलब कि राम राज्य मतलब आत्मा का राज्य, और रावण राज मतलब शरीर का राज्य, शरीर की कर्मेंद्रिया मन बुद्धि अपना राज्य चलाती है। वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य। तुम्हारा एक छोटा सा पुस्तक है, हीरे जैसा पावन कैसे बने। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है, मनुष्य क्या जाने सिवाय तुम्हारे, मनुष्य तो जानते ही नहीं कि जीवन को भी हीरे जैसा कैसे बनाएं। लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने, देवता अक्षर ऐड होना चाहिए हर बात में, देवता कौन है, कैसे बन सकते हैं देवता। तो देवता वही बनेंगे जिसके अंदर देने का संस्कार है, देने का संस्कार है, चाहे मन बुद्धि से दें, चाहे तन से दें, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे जैसे भी दें, देने का संस्कार। और देने वाला कभी भी खाली नहीं होता है, ये अंदर में पक्का कर ले, आप जितना देंगे बाबा आपको खाली नहीं होने देगा, ये क्लियर है। क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहता है, जो रहता है ना बाबा के पास, बस मेरे पास एक अभी एक रुपया भी ढूंढिएगा तो नहीं रहेगा, लेकिन जब भी कुछ होता है बाबा के आगे समर्पण, हर चीज तन से मन से धन से समय स्वास्थ्य संकल्प सब समर्पण कर रहे हैं, बाबा तुम्हारा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, अब तुम कैसे करोगे तुम जानो। और देखिए कभी खाली नहीं रहते हैं, हर चीज पूरा होता है, तो बाबा उसका जिम्मेवार हो जाता है जो संपूर्ण समर्पण, क्योंकि देख कौन रहा है, हमें संपूर्ण समर्पण है कि अंदर में रखे हुए, जैसे बोलते ना कि पकड़े हुए हैं कुछ धन, तो पकड़े हुए क्या सोचकर कि समय पर काम आएगा, ठीक है समय पर काम आएगा, यानी कि बाबा बोलता है छोड़ो तो छूटे, छोड़ो उसके बाद देखो तुमको कैसे भरपूर करते हैं। तो तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहाँ बना रहे हैं, हीरे जैसा बना रहे, इतना बदनामी हुआ
उसका बदनामी में भी क्या था, तोहफा छुपा हुआ था, तुरंत बाबा और अच्छा कर दिया। तो हर बात में कल्याण है। कल एक बात बहुत सुंदर टच हो रहा था अंदर में कि जैसे कि जो विघन आता है, विघन आता तो कोई बच्चे रोने लगते हैं ना, बाबा ठीक कर दो, बाबा कैसे हो रहा, बाबा ठीक कर दो, बाबा बोलते हैं ना, और बाबा ठीक कर देता है, बाबा ठीक कर देता है, लेकिन आपका नंबर बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्यों? जैसे कि आप द्वापर में जब आएंगे तो आप पूज्य स्वरूप, आपकी मूर्ति के आगे पूजा होगा, आप रोएंगे वहाँ, पूज्य स्वरूप आपका ही मूर्ति के आगे भक्त भी चिल्लाएंगे कि हमको पूरा करो, तुम मूर्ति पत्थर हो गए हो, तुम सुनते नहीं हो, ऐसे ऐसे करके चिल्लाएंगे। और उसका असर जो जैसे कि विष्णु कृष्ण के आगे रोएंगे तो कृष्ण पर असर पड़ता है, कृष्ण के जीवन पर असर पड़ेगा। उसी तरह जब हमारी मूर्तियों के आगे लोग चिल्लाएंगे, हमारे जीवन पर असर पड़ेगा जो हमसे कनेक्टेड है। तो इसीलिए अगर आप एक रस चलते, ब्रह्मा बाबा को हिलते हुए कभी देखें, मम्मा को हिलते हुए देखें, नहीं, एकदम एक सार से चली है। तो हम लोगों को एक सार से चलना ताकि भक्ति मार्ग में भी हमारे ऊपर कोई विघ्न ना आए, नहीं तो रोएंगे तो वहाँ भी रोने का संस्कार बन जाएगा भक्ति मार्ग में। और यहाँ पर अचल अडोल रहते हैं, सत्युग त्रेता तो रोने का दरकार नहीं रहता, द्वापर कलयुग में रहेगा, वहाँ पर फिर रोने धोने का कार्य चलेगा। तो रोना है आज के बाद, उदास होना है, क्योंकि हर बात में कल्याण। अपने जीवन को देखेंगे ना, कुछ बुरा हुआ थोड़ा दिन के बाद आप देखिए उसमें कल्याण छुपा हुआ था। तो सिवाय बाप के और ये सब बातें कोई नहीं बता सकता है। किताब है अच्छा, उसमें अक्षर सिर्फ ऐड करो, कौन सा, तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। सेकंड में हम देवताई जीवन प्राप्त कर सकते हैं, बिगर कौड़ी खर्चा के, कोई खर्चा नहीं है। बाप बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार होता है, बच्चा कोई खर्चा लगता है क्या बच्चे को? नहीं, करोड़ों का संपत्ति रहेगा तो बोलेगा मेरे बाप का है, मेरा है। तो गोद में आया और बरसे के हकदार बन गया, खर्चा तो बाप करते हैं ना बच्चे के पीछे, आज ये पार्टी करो, आज ये खिलाओ पिलाओ, मेरे घर में बच्चा आया है। तो अभी तुमने क्या खर्चा किया है? बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? उमंग उत्साह आता है और बूंद बूंद कितना बड़ा कर देता है बाबा, सागर बना देता है। हाँ, हम क्या दे सकते हैं बाबा को? बाबा को नहीं देते हैं, हम अपना जमा करते, जैसे कि बच्चों को पॉकेट खर्च मिलता है ना, वो जमा करते, वही पॉकेट खर्च हम जमा कर रहे हैं बस। तो बाबा कहता तुम्हारा कोई खर्चा नहीं लगता है। नहीं, जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं लगता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता। यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते, देने का संस्कार जागृत करते हैं कि बच्चे जितना हो सके इस संगम युग पर सफल करो, तन मन धन समय स्वास्थ्य संकल्प सब कुछ देना है। ऐसा नहीं कि समय नहीं दे रहे, तो आपको द्वापर के बाद कोई समय नहीं देगा। आप कोई भी चीज सोचेंगे कार्य कराने ना, तो आपको बोलेंगे समय नहीं है, सही लगेगा, क्योंकि अभी हम बाप के कार्य में क्या बोलते, समय नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है। तो ये भाग्य लिख रहे, बहुत सोच में ये खेल है, इसको समझ कर चला, भी किसी बात में भी ना जी नहीं, हाँ जी हर बात में, हाँ जी। तो तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो जो नहीं समझते हो, समझो इस बात को, बड़े हो, ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, ठीक है आप एक दिन का बच्चा है, एक महीना का बच्चा है, एक साल का, लेकिन ऑर्गन्स तो छोटा नहीं है ना, हाथ पैर मन बुद्धि सब तो बड़ा हो गया है। तो बाप का बनने से बाप राय देते हैं, तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है कि नहीं, तो अपनी राजधानी अपने तन मन धन से स्थापन करना है, इसलिए अपना तन मन धन लगाना है, इसमें पवित्र भी जरूर बनना है। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता, गंगा पर जाते हो, तीर्थों पर स्नान करने जाते हो, खर्चा करते हो कि नहीं? कितना खर्चा करेंगे, कितना खर्च हो जाता है, आने जाने का भाड़ा, कितना ज़्यादा वहाँ खर्च। एक जगह तो मंदिर में गए थे, मनसा देवी के मंदिर में, और वहाँ पर इतना 10 रुपये का एक गड्डी था पूरा, और यहाँ 2-10 रुपया, यहाँ 2-10 रुपया, बहुत पहले की बात है, और पूरा गड्डी खत्म हो गया लास्ट में। हम बोले कि देखो कितना, मतलब और दीजिए और दीजिए, यहाँ दीजिए, अरे भावना रखना चाहिए, ऐसे बोलता था ना तो लगता था नहीं सही में भावना तो रखना चाहिए, क्या करेंगे, ऐसे करते करते के ले लिया पूरा। तो बोलते खर्चा कितना हो जाता है, यहाँ बाबा तो वैसा कुछ नहीं। तो तुमको बाप पर निश्चय हुआ, खर्चा क्या लगा, बढ़ ही रहे हो, बढ़ रहे हैं कि नहीं पहले से? तुम्हारे पास सेंटर्स पे आते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद के बाप का वर्षा लो,
बाप का, बाप को याद करो, बाप है ना वो, तो बाप खुद कहते मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पतित से पहले पावन बनो, पावन तन से भी पवित्र और मन से भी पवित्र, उसको पावन कहा जाता है। ऐड करें कि पावन मतलब तन का भी पवित्रता, मन का भी पवित्रता, और केवल पवित्रता यानी केवल तन का पवित्रता या तो केवल मन का पवित्रता, पावन में दोनों ऐड हो गया। तो जो तब पावन विश्व के मालिक बनोगे, मालिक कब बनेंगे, जब आप दोनों से पवित्र रहेंगे। तो यह भी जानते हो बाप बैकुंठ की स्थापना करते, समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाते हैं कि हाँ हमको करना है, मन में भी सोच लेते हैं। उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है, यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं। खर्चा देखिए जो बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं छोटा से, कितना समय तक पढ़ाते रहते हैं तब जाके जॉब लगता है, कितना खर्चा करते हैं। यहाँ तो देखिए कुछ समय में ही बाबा कितना आगे बढ़ा देता, केवल तन मन से समर्पण होने का है। यहाँ तो आत्मा कहती हम अविनाशी हैं, यह शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे, किसके पिछाड़ी भाग रहे हो। बाबा कहते हैं कि देखो बाल बच्चे आदि जिसके पिछाड़ी में तुम पड़े हो ना, वो सब खत्म हो जाएंगे, कुछ बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए वो क्या करोगे, अगर बाल बच्चे सब खत्म हो गए तो किसके लिए जमा करके रख रहे हो। तो बाबा कहता ख्याल तो होगा ना कि कुछ तो करने के लिए सोचे सोचोगे ना कि आखिर इतना पैसा है जमा कर रहे हैं, बाल बच्चे खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे। कोई साहूकार भी होगा ना समझो, उनको कोई है नहीं, ज्ञान मिलता तो समझते इस हालत में पैसा क्या करेंगे, पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। तो जैसे कोई साहूकार उसका कोई बाल बच्चा नहीं तो क्या करता है कि समर्पण करता, क्या करेंगे पढ़ाई पैसा करके, तो चलो बाप के कार्य में लगा दिए, किधरों का कल्याण हो जाएगा। तो बाबा ने बताया था कि एक इब्राहिम लिंकन था, बहुत गरीब था, रात को इतना गरीब था ना कि घर में लाइट ये सब नहीं रहता था, कुछ भी नहीं, तो बाहर में पॉल के लाइट से ना पढ़ता था और क्या बन गया, अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। रात को जागकर पढ़ता था, पढ़कर इतना होशियार हो गया कि प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगता है क्या पढ़ने में, कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी पढ़ने में कुछ नहीं, आप मन से पढ़े तो आत्मिक स्थिति में आए तो बहुत है। जो गरीब होते हैं उनसे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती है पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने के लिए छूट देती है। तो यहाँ भी बाबा क्या बोलता है, अगर तुम गरीब हो तुम केवल अपने आत्मिक स्थिति में आओ, देखो हम तुमको कैसे आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे बहुत है जो पढ़ते हैं तो बिगर फी के प्रेसिडेंट बन गया, बिना फीस के इब्राहिम लिंकन, सरकार तरफ से उनको पैसा मिला, वो पढ़ते चले गए और क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। कितना बड़ा पद पा लिया ना, या गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती, कौन सा गवर्नमेंट, बाबा भी अगर गरीब हैं खर्चा नहीं लेती, लेकिन आप आत्मिक स्थिति में रहो तो बाबा आपको आगे बढ़ाएगा। समझती है दुनिया में तो सब गरीब हैं, भल कितने भी साहूकार हैं, लखपति करोड़पति भी हैं, वह भी कहेंगे गरीब ही हैं। क्यों, क्योंकि अगर उनके पास पैसा बहुत है तो तन का बीमारी बहुत है, बहुत पैसा कोई भोगने वाला नहीं है, परिवार में कलह कलेश बहुत है, तो हम उनको साहूकार बनाते हैं। भल धन कितना भी हो तुम जानते हो बाकी थोड़े दिन के लिए, कितने दिन के लिए धन अगर किसी के पास है तो तुरंत अचानक खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा बार बार सावधानी देता है, बच्चे अपनी राजधानी स्थापन करो, तन मन धन सब सफल करो। और जमा भी किसके पास हो रहा, हम सोचते ना इसके भंडारे में जमा होगा, उसके नाम लगा देते हैं ना किसका भंडारा उसका, नहीं बाप का भंडारा है, बाप का भंडारे में जमा हो रहा, वो रिस्पॉन्सिबल है कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। तो यह सब मिट्टी में मिल जाएगा, तो गरीब ठहरे ना, खत्म जब हो जाएगा तो क्या लेकर जाओगे, सारा मदार पढ़ाई पर है। बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे, बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, बच्चे जानते हैं हम भविष्य में ये बनने के लिए आए हैं, यहाँ पर क्या बनने, विश्व का महाराजन बनने आए हैं, महारानी बनने आए हैं, मैं आया हूँ यह स्थापन करने, देवी देवता का साम्राज्य स्थापन करने। बैच पर भी समझाना है, नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है ना, तो तुम भी नई नई ज्ञान की इन्वेंशन निकालो, कैसे सबको समझाया जाए, कैसे सबको समर्पण भाव सिखाया जाए। श्री बाबा कहते हमारी जो आत्मा है उनमें सारा पाठ नूंधा हुआ है, जो विकारी पतित बन गए उनको बाप आकर पावन बनाते हैं। तो यह तो जानते हो ना 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व की बादशाही हम लिए थे,
हम देवी देवता बने थे और फिर से हम देवी देवता बन रहे हैं। मुख्य बात है, बाप कहते माँ में कम याद करो, मुझे एक को याद करो। दिन भर में कितनों को याद करते, हाँ कभी बच्चे याद आएंगे, कभी परिवार आएगा। बेटा बोलता है कि मम्मी को तो फुर्सत ही नहीं मिलता, इतना फोन में बिजी रहती है ना कि फोन भी नहीं करती है। बोले कि अच्छा तुम लोग खुश है ना, क्या फोन करें, चलो ठीक है। और जब भी कुछ तकलीफ होगा तो हम यहाँ से दौड़ के तो नहीं आएंगे तुम्हारे पास, तुम बाबा को याद करो, देखो बाबा तुम्हारे पास दौड़ कर आ जाएगा। और होता भी है, जब बहुत बार ऐसा परिस्थिति आया उन लोग के पास, बोले बाबा को याद करो, दो मिनट बाबा के आगे बैठ जाओ और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फिर हम क्यों याद करें, हम तुम आते हो, तुमको पालना हम देते हैं कि नहीं, कोई चीज़ कमी तो नहीं देते। अब जरूरी है रोज़ फ़ोन से, और इधर जो हम फ़ोन से बात करते हैं तो इधर सेवा हो रहा है, जो दुखी है उससे बात किया जा रहा है। तो बाबा कहता सिर्फ मुझे याद करो। सम्मुख कहते हैं बाबा, सम्मुख कह रहे हैं बाप, सामने आकर कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो। रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। रथ तो जरूर एक ही फिक्स होगा ना, यह बना बनाया ड्रामा है, चेंज नहीं हो सकता। हम लोगों का भी रथ फिक्स है, हर बार यही रथ लेंगे हम लोग। कहते हैं यह जौहरी कैसी प्रजापिता बनेगा, ब्रह्मा बनेगा ये, लोग कहते थे ये कैसे बनेगा। अभी हम लोगों को नहीं बोलता ये तो पहले ऐसी थी, ये तो ऐसी थी, अब ऐसे बन गई, बोलते हैं ना लोग। हाँ अब कितना लोग बोलते थे 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, बहुत अभी भी सुनने को मिलता है, क्योंकि हम थे, हम बहुत थे। और उन सब चीज़ों को जो जिसको हम सिखाएं खाने के लिए, और हम खुद छोड़ देंगे। खुद बेटा बोलता है ना कि अपने टाइम टाइम पर खाते रहिए, और अब हम लोग को बोलती है छोड़ दो, तो बोले देखो साथ इतना साल से छोड़ दिया ना, अब तुम्हारा बराबर हो गया, अब तुम छोड़ दो। तो देख रहे नहीं छोड़ रहा, बाबा को याद करे उसका अपने आप छूट रहा है, अपने आप बोल रहा है कि नहीं पेट खराब हो जाता है, जब खाता है ना तो पेट खराब हो जाता है, तो अपने आप छोड़ रहा है। समझते हैं यह जौहरी था, जवाहरत एक ही होती है, इमिटेशन एक रियल, इसमें भी रियल जवाहरत बाप देते हैं। कौन सा जवाहरत देते, ज्ञान का, ज्ञान रत्नों का दे रहे हैं ना, तो फिर वह क्या काम आएगा। जो सोना चांदी जो बाहर बिक रहा वो कुछ काम का है, जाता है इच्छा, देखते हैं बहुत सारा जेवर तो देखते हैं, इच्छा जा रहा है कि हम ये ले लें ये ले लें। पहले कितना इच्छा जाता था ये ले ले ये, अब कुछ नहीं, पहन रहे नहीं पहने कोई दिक्कत नहीं, एकदम साधारण अच्छा लगता है, एकदम सिंपल, क्योंकि ज्ञान रत्नों का जेवर बाबा पहना दिया है, और क्या पहनेंगे। तो ज्ञान रत्न, यह है ज्ञान रत्न, इसका वैल्यू देखो कितना है। इसके सामने उस ज्वारत की क्या कीमत है, कोई कीमत है। कोई बोलता है इतना सारा दिखा देने के बाद ना हो सकता है इन लोग का मन फिसल जाए, बोले रख दो ना, फैला भी दोगे ना तो छूने तक देखने तक नहीं जाएंगे। तो यह जब यह रतन मिले तो समझा यह ज्वारात का धंधा तो कोई काम का नहीं। ब्रह्मा बाबा को लगा कि कोई ज्ञान रतन का धंधा जब मिलने लगा तो उन ज्वारतों का धंधा छोड़ दिया बाबा। यह अविनाशी ज्ञान रतन एक एक लाखों रुपये का है, कितने तुमको रतन मिलते हैं रोज रोज। यह रतन ज्ञान रतन ही सच्चे बन जाते हैं, तुम जानते हो बाप यह रतन देते झोली भरने के लिए। ये जितना झोली क्या है हमारा, संस्कारों में भरना है, संस्कार ही झोली है। तो ये ज्ञान को जितना आप संस्कारों में धारण कर लेंगे यही आपके साथ 5000 साल चलेगा। झोली कोई झोला वाला झोली नहीं है, ये संस्कारों का झोली है। तो यह मुफ्त में तुमको मिल रहे, खर्चा कुछ भी नहीं ज्ञान रतन मिलने में। वहाँ तो दीवारों छतों में भी हीरे जवाहरात लगे हुए रहेंगे, वहाँ सतयुग में, मतलब जो सोने का महल बनेगा हीरा जवाहरात लगा रहेगा, उनकी क्या वैल्यू। अभी देखिए कंकड़ पत्थर पड़ा रहता है उसका वैल्यू है, तो जैसे यहाँ कंकड़ पत्थर वहाँ सोना हीरा पड़ा रहेगा, क्या लेके करेंगे, वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा उस। तो वहाँ तो हीरे जवाहरात भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। यह तो बच्चों को निश्चय पक्का होना चाहिए। बाप ने समझाया है यह रूप भी है तो बसंत भी है। सी बाबा रूप है ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। और एक होता है कंजूस आदमी, देखते हैं ना कि उसके पास धन दौलत है अपने बच्चों को भी नहीं देता है, तो यहाँ पर सी बाबा रूप है मतलब भरपूर है, सागर है, लेकिन वो बसंत भी है, हम बच्चों पे लुटा रहा है बिना किसी लालच के। तो हमें भी मास्टर रूप बसंत बनना है, स्वरूप बनकर दूसरों को देना है। हम नहीं देंगे मेरे से आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसे नहीं समझना। अगर आप ऐसा समझते तो आप नीचे हो गए, वो किसी और से लेकर बढ़ जाएगा, बाबा दे रहा है।
तुमको ज्ञान का सागर कहा जाता है, यह ज्ञान रतन है जिससे तुम बहुत धनवान बनोगे। बाकी कोई अमृत या पानी आदि की बरसात नहीं होती, ज्ञान अमृत होता है, ज्ञान का अमृत होता है। पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती है, पावन बनने में खर्चे की भी बात नहीं होती है। पावन बनने में खर्चा है, हम पवित्र बनेंगे तो और खर्चा से तो दूर हो गए, और तो दूर हो गए। तो अब तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम अपने योग बल से पावन बनो, योग की ताकत है। बाबा कहता ना, ज्ञान है शीतल करने वाला, लेकिन योग जो अग्नि है ना उसमें विक्रम विनाश होता है। तो योग का ताकत रहना, ज्ञान की समझ से योग की ताकत रखनी है। जानते हो पानी बन, पावन बन, पावन दुनिया में चले जाओगे। अब राइट यह है या वह, भक्ति राइट था कि ज्ञान राइट है? ज्ञान राइट है। अब वो रतन राइट है कि ज्ञान रतन राइट है? ज्ञान रतन है। तो अब इन सब बातों में बुद्धि तुम्हारी चलनी चाहिए कि राइट क्या, रॉन्ग क्या। ड्रामा में यह भक्ति का पार्ट भी होने का है। बाप कहते अब तुमको पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। जो पावन बनेगा वही जाएगा। तो जो यहाँ की सैपलिंग होंगे वो निकल आएंगे, जो देवी देवता कुल के होंगे। बाकी थोड़े ही समझेंगे, सब सब दुबन में फंसे ही रहेंगे। दुबन मतलब दलदल, दलदल में फंसे रहेंगे। और दलदल में देखते ना, जो एक बार डूब गया सो डूबता ही चला जाता है। तो जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहो, आहो प्रभु तेरी लीला परम अपार है, आप पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते हो। तुम्हारा यह ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। अभी तो खैर टीवी मोबाइल सब चीज में आ गया, इंटरनेट में। तो उस समय बाबा कहता है कि बच्चे लास्ट में बोलेंगे तुम्हारी लीला अपरम अपार है। क्यों? इसी कलयुग में रहकर तुम आए और अपने बच्चों को चुन चुन कर पावन बनाकर सत्यु का मालिक बना, हम लोग को पता भी नहीं चला, ये लोग बोलेंगे। खास यह चित्र अखबार में रंगीन करके डालो और लिख दो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक यह लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। कैसे बना रहे? याद की यात्रा से, याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी। तुम खड़े खड़े सबको यह रास्ता बता सकते हो। बाप कहते हैं माँ में कब याद करके, तो बाबा को याद करने का तरीका बताना है। अपने को आत्मा समझना है, घड़ी घड़ी यह याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है। आप आत्मा देखो, अब परमात्मा के बारे में परिचय दो, देखो उसका चेहरा बदलता है कि नहीं। नैन पानी से भींगते रोने लगते कि भगवान आया हुआ है पतित से पावन, जो स्कूल के बच्चे होंगे। तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है, तब समझो कि कुछ बुद्धि में बैठा है। पहले पहले एक बात समझाने, 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा है कि माँ में कम याद करो। शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, कोई भी आया है तभी तो उसका जन्मदिन मनाते हैं। तो भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि माँ में कम याद करो तो पावन बन जाओगे। छोटी छोटी बच्चियाँ भी ऐसे समझाएं, बाबा कहता छोटी बच्चियां जब समझाएंगी कि भगवान आया हुआ तो ज्यादा टच करता है। बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, बाबा अक्षर बहुत मीठा लगता है ना, बाबा के साथ वर्षा भी ज्वाइंट हो जाता है। बाप है तो वर्षा मिलेगा, लेकिन पहले भगवान कहते थे तो वर्षा नहीं मिलता था। इतना निश्चय बच्चों को रहना चाहिए कि मेरा बाबा है, हम वर्षे के अधिकारी हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। यहाँ पर मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान मिल रहा है। देवताएं होते हैं पावन। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, मन मना भाव, मन को पवित्र बनाओ, मन को मुझको मेरी यादों में लगा लो। तो बाबा की याद कब आएगी? जब मन पावन होगा, मंदिर बन जाएगा। अक्षर सुने हैं ना, न सुने हो तो बाप सुना देते हैं। मन मना भाव, मन को अपने बस में करो। बाप कहते मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करो, तुम्हारी खाद निकल जाएगी, जो पाप किए है ना वो निकल जाएगा, सत्व प्रधान बन जाओगे। मेहनत ही यही करनी है, मन को कंट्रोल में करने का। ज्ञान के लिए सब कह देते बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानता नहीं। सबसे प्राचीन योग यही है कि सबसे शुरुआत में बाबा आदि में बताएं राजयोग की का ज्ञान। पावन होने की बात तुम सुनाते हो तो भी नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते? अरे यहाँ तो जाने से लहसुन प्याज छुड़ा दिया जाता है, यहाँ तो भाई बहन बना दिया जाता है, समझते नहीं। कितने लोग पूछते, बोले हाँ हम हैं, हम लोग तो हैं ही भाई बहन। कैसे हैं भाई बहन? आप मंदिर में जाइए, देवी माँ के मंदिर में जाइए और अपने पति को, पति जब बोले माँ ना, तो आप बोली मेरी सासू माँ है ये, और अपने बच्चों को सिखाइए मैं तुम्हारी दादी माँ है। क्यों बोलते हैं माँ? तो चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इस पे झगड़ा करते, फिर पीठ पीछे, सामने नहीं बोलेंगे। अब
तो बाघ कहते तुम सब पतित तमो प्रधान बन गए हो, अब अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। असुल तुम आत्माएं मेरे साथ थी ना, तुम मुझे बुलाती भी हो, ओ गॉड फादर आओ, अब मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। यह पतित से पावन होने की मत है, जो बाबा देरा श्रीमद, ये पतित से पावन होने की मत है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान एवर पावन, अब तुम मुझे याद करो। इनको ही प्राचीन राज्यों कहा जाता, जो बाबा अपने ऊपर राज्य करना सिखला रहा ना, यही प्राचीन योग है। तो तुम धंधे आदि भल करो, कोई मना नहीं है, बाल बच्चों को भी संभालो, सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर मेरे से लगा लो। बुद्धि तो कर सकते ना, अब बच्चे बाहर में, अब देखिए घर में जो है ना, तो बार बार मैसेज करने बोलती हैं बड़ी जो है, और बोलती है बात कर, दिन भर बात ही करती रहती है, तुम क्या कर रहा, खाना खाया, क्या खाया, अच्छा उसे क्या मिल जाएगा, आप जाकर बना देंगी क्या, वहाँ ठीक करके आ गए कि ये खाना खाना, ये खा लेना, तुमको पैसा देकर आ गए, अब क्या चिंता करना, अब उसको संस्कार दे देना। अच्छा अच्छा, तो यह सब मुख्य बात है, यह न समझा गोया कुछ भी नहीं समझा। अगर अभी भी बच्चों में अटके हुए हैं तो कुछ भी नहीं समझे, बच्चों में अटके हुए हैं। तो ज्ञान के लिए भी कहते बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, पवित्रता भी अच्छी, परंतु हम पवित्र कैसे बने, हम कैसे लोग क्वेश्चन कर देते हैं हमेशा के लिए, यह बात समझते नहीं। देवताएं हमेशा पवित्र थे ना, वह कैसे बने, यह बात पहले पहले समझानी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से पाप मिट जाएंगे तब तुम देवता बनोगे। क्यों नहीं सुनते, क्योंकि पाप का बोझा, पहले कर्जा दो तब तुम सुख में आना, बोलते हैं ना, तो यहाँ कर्जा है, इसीलिए वो ज्ञान नहीं सुनना चाहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रतन जरूर लेना है। यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है, इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है, वैल्यू को समझकर पढ़ना है। अरे रोज तो एक दिन छूट गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं, हर दिन मुरली नशा होना चाहिए, मुरली पढ़ने का समझने का। यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो इसी से ऊंचा पद पाना है, ऊंचा पद यही ज्ञान से पाना। ब्रह्मा बाबा कभी वो एक दिन भी मिस किया, खांसी होता था तो भी पढ़ाने के लिए आता था, पढ़ने और मम्मा हमेशा मुरली सुनती थी, मंथन करती थी। तो राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उनका संग करना है, कुसंग से सदा दूर रहना है, सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप के संग में रहना है। वरदान है शक्तिशाली याद द्वारा, सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो एक सेकंड की याद में पद्मों की कमाई जमा हो जाए, पद्मों की कमाई इतना शक्तिशाली। बाबा मैं केवल तुम्हारी हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो, मुझे और किसी को, तो बाबा कहता बच्चे मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ, लेकिन तुम्हारा बुद्धि योग चारों तरफ भटक जाता है। तो जिनके हर कदम में पदम हो वह कितने पदम जमा कर सकते हैं दिन भर में, इसीलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हम लोग हैं। तो जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही कुछ और होती, होता है कि नहीं, ज़्यादा पैसा कमाने वाले को। तो यहाँ भी नशा रखना है कि हम लोग कितने अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे कि हम कितने खुश रहने लगे बाबा के साथ चलकर, ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे। ये न्यारे लोग हैं, हम लोग जैसे चिंता फिकर करने वाले लोग नहीं, ये लोग तो निश्चिंत रहने वाले हैं। स्लोगन है, ड्रामा में सब अच्छा होना ही है, बाबा क्लियर कर रहा, ड्रामा में सब अच्छा होना ही है। इस स्मृति से बेफिक्र बात सारा और अच्छा करते चले जाओ। ओम शांति।